आपको भी किसी लड़की से प्यार है जो आपसे बात नहीं करना चाहती? क्या आप जानना चाहते हैं कि उस लड़की को कैसे पटाया जा सकता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिताली और आप देख रहे हैं मेरा वाला प्यार चैनल। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप उनकी दिलचस्पी जगा सकते हैं और उस लड़की को अपना बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर वन इज, उस लड़की को आपको जानने का मौका दें। आप अपनी पर्सनालिटी का ऐसा हिस्सा दिखाएं जो बेहद ही अनोखा और इंटरेस्टिंग हो। आप अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट और पैशन के बारे में उसे बताएं। जब वो देखेगी कि आप कितनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, तो शायद उसका भी इंटरेस्ट आप में जाग जाए। नंबर टू, उस लड़की के इंटरेस्ट को समझे और उनसे जुड़े। अगर वो किसी खास एक्टिविटी या हॉबी में दिलचस्पी रखती है तो उसके बारे में जाने और उसमें शामिल होने की कोशिश करें। इससे उसे लगेगा आप उसकी पसंद नापसंद की कदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको डांस पसंद है तो दोनों मिलकर किसी डांस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी केमिस्ट्री और आपकी बॉन्डिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। नंबर थ्री, टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। उसे तुरंत इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, छोटे छोटे कदम उठाएं, उन्हें समय दें, धीरज रखें, सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस दें ताकि वो खुद की फीलिंग्स को और आपको समझ सके। नंबर फोर, किसी भी सिचुएशन में उसकी मदद करें। अगर उसे किसी चीज की जरूरत है या वो किसी सिचुएशन में फंसी हुई है तो उसकी मदद जरूर करें। ये दिखाएगा कि आप कितने केयरिंग पर्सन हैं और उसके जीवन में वाकई में दिलचस्पी रखते हैं। नंबर फाइव, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारें और आत्मविश्वासी बने। जब वो देखेगी कि आप अपने जीवन में संतुलित और आत्मनिर्भर हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हैं, तो उसकी नजर में आपका रुतबा और बढ़ जाएगा। नंबर सिक्स, सही समय पर सही बात कहना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बातचीत का सही समय चुनना और संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान देना। उसके विचारों और भावनाओं को समझें और उनसे संबंधित बातें करें। इससे क्या होता है कि वो महसूस करेगी आप उसकी भावनाओं की कितनी कद्र करते हैं। अगर आप सही समय पर सही बात कहेंगे तो हो सकता है वो उसी समय आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी बातचीत दिलचस्प हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखें।